टैंक के डिस्प्ले की जब बात आती है तब पंजाब राजस्थान के डेजर्ट्स दिमाग में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टैंक की मैन्यूवरेबिलिटी, कैमोफ्लाश और फायर पावर यहां सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। जब महंगी गाड़ी की बात आती है तब लैम्बोर्गिनी का नाम याद आता है जो रफली 2 करोड़ की प्राइसिंग के साथ आती है, पर एक एवरेज टैंक की कीमत 25 करोड़ होती है। ये वो गाड़ी है जिसे खरीदा नहीं जा सकता बल्कि इसे कमाना पड़ता है। आर्मर्ड कोर इंडियन आर्मी की टैंक रेजिमेंट है जिसकी कई इंटरेस्टिंग बातें लोगों को पता ही नहीं है। आज हम उन सब के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल आउट द इंट्रो। जब भी कभी दो नेशंस के बीच वॉर होती है तब आगे फ्रंट में इन्फेंट्री लीड करती है, वही आर्टिलरी दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट को तबाह कर देती है। बीच में होती है आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ये एनमी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब हम पुराने समय की बात करते हैं तब भी लड़ाइयों में आगे सैनिक, पीछे गोला बारूद और बीच में घुड़सवार रहते थे। ये घुड़सवार सबसे ज्यादा दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। आज के समय में उन घुड़सवार को टैंक्स ने रिप्लेस कर दिया है। यही वजह है आर्मर्ड कोर की कई रेजिमेंट्स को कैवेलरी यानी घुड़सवार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बड़े बैटल्स जैसे कि बैटल ऑफ बसंतर, फिल्लोरा और जोजिला को जिताया है। आज की ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई ने कई बटालियंस के नाम इन्हीं बैटल्स के ऊपर रखे हैं, जैसे कि फिल्लोरा, बसंतर, जोजिला। आज भले ही टैंक्स ने हॉर्सेस को रिप्लेस कर दिया है पर टैंक मैन की वैल्यूज आज भी वही है। दुनिया भर में आर्मर्ड रेजिमेंट को किंग ऑफ बैटलफील्ड से जाना जाता है। अब कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। आर्मर्ड कोर डे 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आर्मर्ड सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र में है। आर्मर्ड कोर में टोटल 65 आर्मर्ड रेजिमेंट्स है जिसमें सबसे सीनियर रेजिमेंट है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स। यही वजह है कि आपने प्रेसिडेंट के साथ घुड़सवारों का दल हमेशा देखा है। एक आर्मर्ड रेजिमेंट में करीब 45-50 टैंक्स होते हैं। अब एक बात जिससे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं वो ये है कि क्यों आर्मर्ड की कुछ रेजिमेंट्स को नंबर एग्जाम्पल 47 आर्मर्ड रेजिमेंट, 51 आर्मर्ड रेजिमेंट कहा जाता है और कुछ को हॉर्स एग्जाम्पल डेक्कन हॉर्स, पूना हॉर्स और कुछ को कैवलरी एग्जाम्पल लाइट कैवलरी, 61 कैवलरी, वही कुछ को लेंसर्स एग्जाम्पल 20th लेंसर कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि जो रेजिमेंट देश के आजाद होने से पहले रेज हुई थी उनका नाम आज भी वही है जो रखा गया था, जैसे कि कैवलरी, हॉर्स, लेंसर्स। वही जो रेजिमेंट इंडिपेंडेंस के बाद बनी उनका नाम आर्मर्ड रेजिमेंट रखा जाता है, जैसे 70 आर्मर्ड रेजिमेंट। वैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि पूना हॉर्स रेजिमेंट ने 2 परमवीर चक्र जीते हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन 2 PVC अवार्डी है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कई बार ये पूछा जाता है कि आर्मर्ड रेजिमेंट की क्या अलग पहचान है। इसका जवाब ये है कि आर्मर्ड रेजिमेंट के ऑफिसर्स और ट्रूप्स ब्लैक बेरे पहनते हैं। ये ब्लैक बेरे उन्हें अलग आइडेंटिटी देती है। आज इंडियन आर्मी की आर्मर्ड रेजिमेंट के पास 3 मेन बैटल टैंक्स है। वो है अर्जुन MBT, T-90 भीष्मा एंड T-72 अजया। इफ यू हैव गेन्ड एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो को जरूर लाइक करना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।